शिवपुरी जिले के वैराट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कालामड़ में एक महिला के साथ उसके सास ससुर और देवर ने बेरहमी से मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत उसने थाने पर पहुंचकर दर्ज कराई, पर सुनवाई न होने के चलते वह एसडीओपी के पास बोहरी पहुंची, जिसके बाद वैराट थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार वर्षा धाकड़ पत्नी स्वर्गीय विनोद धाकड़ उम्र 28 साल निवासी कालामड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति की मौत के बाद उसने ससुराल वालों से हिस्से के लिए कोर्ट में अपील की थी, जिसकी आज तारीख थी, तो गुस्सा सास ससुर और देवर ने बांधकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी, जिसके बाद वे इसकी शिकायत दर्ज कराने वैराट थाने में पहुंची, जहां सुनवाई न होने के चलते उसने इसकी शिकायत एसडीओपी से दर्ज कराई, जिसके बाद वैराट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। वैराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो ये तुम्हारी मम्मी की मारपीट की, किसने की है मारपीट? दादा ने और चाचा ने और दादी। तुम लोग थे साथ में वहाँ? तुमने देखा था? हाँ। कैसे मारा था? पाइप में भिदोकर। पाइप में भिदोकर? कहाँ से आई हो आप? बेरार से। तो जी आपके साथ क्या हो गया जी? देवर ने मारा मुझे। क्या नाम है देवर का? धर्मेंद्र। धाकड़? धाकड़। अच्छा, तो किस लिए मारा पीट की है? आज तारीख थी, हिस्से के लिए मैंने बंटवारे के लिए दावा किया है। अच्छा, तो इसलिए सुसर ने मेरे हाथ पकड़े हैं डंडे से, देवर ने मारा है और सास ने, सुसर ने, तीनों ने मिलके मारा है मुझे। तो आप बेराड़ थाने पे नहीं गई? तीन बार घूमिया ही मैं बेराड़ थाने पे, सुन भी बिल्कुल सुनवाई नहीं करते हैं बेराड़ थाने पे। एक दिन 10 बजे रात के मारा था मुझे, जब भी गई थी मैं, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की, बिल्कुल कहीं से कहीं तक भगा देते हैं। और ये तो आप अभी जहाँ एसडीओपी साहब के पास आए, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? मैंने ये बोला है कि वहीं पे जाओ, वो नहीं सुनेंगे तो देखते हैं। बात हो गई थी साहब की उनसे, टीआई साहब से? हाँ, हो गई थी। अच्छा। हाँ।